इसलिए उन्होंने इसको ओवर रूल कर दिया, ये कह के कि दिल्ली के जितने हॉस्पिटल्स हैं और ये जो राइट टू मेडिकल केयर एक प्रकार से एक फंडामेंटल राइट है, आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते कि आप दिल्ली के नहीं हैं। अच्छा, दूसरी बात, दिल्ली के कौन है? मान लीजिए कोई पूर्वांचल से है और दिल्ली में रह रहे हैं, और ये कहना कि भाई आधार कार्ड से देखकर आप इसको एडमिशन देंगे, ये ठीक बात नहीं है। तो इसीलिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक जरूरी कदम उठाया, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है और कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें बड़ा स्पष्ट किया है कि आप किसी को मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल केयर, क्योंकि ये मामला राइट टू लाइफ का मामला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सही समय पे एक जो जिस जिस गलत फैसले को उन्होंने करेक्ट किया है। बिल्कुल, आपको लगता है कि जो एक हमारे यहाँ जिस तरह से राजनीतिक संघवाद, एक संविधान जो है एक संघवाद के तहत काम करता है और कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, किसी राज्य में जा सकता है, और जिस तरह से ये मामला अदालत पहुंचा, वहाँ कई सारे मौलिक प्रावधानों, जो मौलिक अधिकार हैं, उसका हवाला दिया जा रहा है, आपको लगता है ये एक बड़े सवाल भी खड़े करता है? बिल्कुल, देखिए ये पहले सवाल है कि देखिए एक बिल्कुल एक दिल्ली में एक परिस्थिति जो बनती जा रही है एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये 2 महीने से जो दिल्ली सरकार की दावा थी कि हमने फैसिलिटीज बढ़ा दिए, बेड क्रिएट कर दिए, काफी चीजें हमने किए, अगर अगर आप ये सब आप किए हैं तो उसका तो फिर लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जितना दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बार बार यही कंप्लेंट आ रहा है कि अगर हम हॉस्पिटल तक पहुंच जाए तब भी हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, किसी को बुलाओ तब भी नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ इस समय जो प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ जो दिल्ली सरकार ने एक प्रकार से एक जो कॉन्फ्रंटेशन के ये पे गए हैं वो भी मुझे नहीं लगता सही है। कल हमने देखा कि केंद्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी कहा, उनको सलाह दी कि आप इस तरह मत कीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बातचीत कीजिए, और दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सबकी मदद जरूरी है और सबके साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इस समय केवल किसी एक हॉस्पिटल में केस ठोक के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर होनी चाहिए। दूसरे दिल्ली सरकार ने कोरोना ऐप की भी बात की थी, लोग कह रहे, लोगों को बिल्कुल कंप्लेंट है कि वो ऐप में डिटेल जो अवेलेबल है वो अपडेटेड नहीं है। तो ये कई सवाल है, इसको पर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, और इस तरह की ऑर्डर देना कि केवल दिल्ली लोगों के लिए, मुझे लगता है कि सरासर गलत था और उपराज्यपाल ने सही समय पे इसको निपटा दिया है। और साहब डॉक्टर जुगल किशोर जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये हमें समझाएं कि ऐसी परिस्थिति में, हम जानते हैं मरीज तो मरीज होता है, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या राहत लोगों को मिलेगी जो देश भर से उम्मीद की आस में दिल्ली पहुंचते हैं? मुझे आपकी जो पहली चर्चा है उसके बारे में नहीं पता कि आप क्या पूछना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिपीट करें तो मैं उसके बारे में जवाब दूं। बिल्कुल, हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त की, जिस तरह से दिल्ली के अस्पतालों को लेकर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था, उसके बाद उसको आज उपराज्यपाल ने पलट दिया है। आपको लगता है एक मरीज के लिहाज से कोई भी दिल्ली आता है, दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने आता है, तो वो उसके लिए ज़्यादा इस वक्त कोरोना काल में महत्वपूर्ण है, ना कि इस पे कि कौन किस राज्य में रहता है, वहाँ का मूल निवासी है? इसमें मैं कहना चाहूंगा कि दो तरह के राइट्स हैं, एक इंडिविजुअल राइट और एक पब्लिक हेल्थ राइट। सो इंडिविजुअल राइट जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो कहाँ पर अपना इलाज कराना चाहता है और कहाँ पर उसको, अगर वो पैसे उसके पास हैं तो पैसे देकर, और नहीं तो कहीं भी फ्री मिलता है तो वो जाए। ये देश एक है, इसमें डिफरेंट स्टेट है, ऑल्दो हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, बट वी कैन ऑलवेज गो टू एनी अदर स्टेट। इट इज नॉट लिमिटेड दैट वी कैन नॉट गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम केरल और मुंबई और वॉट एवर इफ इट इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सो इन दैट केस इट इज ह्यूमन राइट, इंडिविजुअल राइट। बट वैन इट कम्स टू द पब्लिक हेल्थ राइट, हेयर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट एंड जी दिस एनडीएमए एक्ट और से द डिजास्टर एक्ट, बोथ आर डिक्टेटिंग दैट द नेशन प्रायोरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड देयर सेफ्टी एंड देयर यू नो हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो बिल्कुल डेफिनेटली वन इंडिविजुअल स्टेट कैन नॉट डिनाई
the health care of anybody, whoever is there. लेकिन डॉक्टर किशोर, अगर ये बताएं, जब संसाधनों का एक मुद्दा उठाया जा रहा है और उसकी जब प्राथमिकता तय करने की बात होती है, तो किस तरह से मेडिकल फर्टिनिटी जो जो चिकित्सकों की बिरादरी, वो उसको कैसे देखती है? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है यहाँ पर दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पर एजेंसी बहुत सारी है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है. यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेलवेज है, इसमें कंटोनमेंट बोर्ड है, एनडीएमसी है, और ईएसआई हॉस्पिटल है, हमारा दिल्ली गवर्नमेंट है, फिर साथ में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं. तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. अगर सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन कहता है कि ये मैं नहीं करना चाहता, तो ऑप्शन काफ़ी सारे होते हैं. इसलिए हेल्थ सर्विसेज दिल्ली की बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको अच्छे से इलाज मिले, जो जो भी पॉसिबल है, तो वो आसपास के स्टेट से सीधा यहाँ भागता है. डेफिनेटली ये एक इशू है स्टेट के लिए कि उसके पास कितने रिसोर्सेस हैं, लेकिन ये कंबाइंड रिसोर्सेस अगर हम प्लानिंग अच्छे से करें और मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन से काम करें, तो हम डेफिनेटली उन सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं. उसमें एक ट्रायल्स का इशू है कि हम कैसे ट्रायल्स करेंगे, किन लोगों को जरूरत है, किन लोगों को हम नहीं देखना चाहेंगे, या उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये सब पॉसिबल है. एक बात और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कहा था कि जिनको ज़रूरत नहीं है, जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, उनके कोविड टेस्ट नहीं होंगे, और इस तरह के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन अब ये कहा गया है कि नहीं, ऐसे लोगों की जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जिन जिनका संपर्क हुआ हो किसी कोरोना व्यक्ति के साथ, संक्रमित व्यक्ति के साथ, उनकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए. ये जो टेस्टिंग किसका हो किसका नहीं हो, इसको लेकर जो स्थिति थी, आपको लगता है कि उसमें कई सारी समस्याएं थी, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होंगे कैसे पता चलेगा कि किसी को कोरोना है या नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है. अगर हम एपिडेमिक और पेंडेमिक कंट्रोल की बात करें, तो इसमें हमारे पास में कुल मिलाकर ऐसी मेजर्स हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते. अगर हम टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, तो हमें सिचुएशन का पता ही नहीं चलेगा, या वो एसिम्टोमेटिक है, कॉन्टैक्ट है. जब तक हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं करेंगे, उनको आइसोलेट नहीं करेंगे, चाहे वो घर पर ही आइसोलेट कर रहे हो आप, आज के वक्त में हमने अपनी बहुत सारी स्ट्रैटेजी बदली है, तो उसमें अगर हम घर पे भी आइसोलेट कर रहे हैं, तो उसे पता है कि मैं पॉजिटिव हूं या नहीं. ये सिर्फ